कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलीनोमियल एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या है? x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलीनोमियल px इफ pa इक्वल्स 0। दैट मींस अगर कोई पॉलीनोमियल है px तो x माइनस a, जैसे हमने रिमाइंडर में किया था, रिमाइंडर में तो हम क्या करते थे, बोल रहे थे अगर इसे इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये डिविडेंड है, कैपिटल डी लिख देती हूँ, ये डिवाइजर है स्मॉल डी लिख देती हूँ, अगर डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर आता था इसकी हेल्प से पी ए। ठीक है, बस वही यूज करना है ये रिमाइंडर थ्योरम की, कि इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर पी ए आएगा। फैक्टर थ्योरम में क्या कह रहे हैं, इस डिविडेंड को इस डिवाइजर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल्स 0 आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसी का कन्वर्स भी बोला गया है कि अगर पीएक्स एक पॉलीनोमियल है और पी ए इक्वल्स 0 आ रहा है तो x माइनस ए इज अ फैक्टर। ठीक है, दोनों तरीके से बोला गया है, एक बोला गया है कि अगर इसे इससे डिवाइड करें, ठीक है, और पी ए जो आ रहा है वो अगर 0 आ रहा है तो ये इसे डिवाइड करेगा तो ये इसका फैक्टर होगा। दूसरा बोला हुआ है अगर ये इसका फैक्टर है, x माइनस ए फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, इजी थ्योरम है, कन्वर्स यूज करते हैं, px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए देन pa इज इक्वल टू 0। या बोल सकते हैं px इज अ फैक्टर, तो फैक्टर थ्योरम आदि बोल रही है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल 0। कन्वर्सली इफ pa इज 0 तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, लैंग्वेज में लिख के बताऊं अगर थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है मैं बता देती हूँ, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ, फैक्टर से हम बोल रही है कि ये इसका फैक्टर होगा, कंडीशन क्या है, इफ पी ए जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ रहा हो। कन्वर्स क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तब देन लगेगा इसमें x माइनस ए जो है वो क्या है, फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस इतना रखना है जो रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकाल रहे थे वो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर है अदरवाइज नहीं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस 1 एज इट्स फैक्टर। तो हमें बताना है एक्स प्लस 1 इस पॉलीनोमियल का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए था, बोला था पी ए इक्वल्स 0 अगर प्रूव कर देंगे तो फैक्टर है। ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो यस। तो पहले इससे a की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस 1 इक्वल्स 0 करोगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें प्रूव करना है p माइनस 1 ये अगर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम से जो रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर अगर 0 है तो आंसर यस। ठीक है, क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम से हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर 0 है तो आंसर यस। फैक्टर थ्योरम यही बोलती है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, p माइनस 1 के लिए कर रहे हैं माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 1 एज इट इज, ये प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल, तो आंसर आ रहा है ये 0, आंसर आ रहा है 0, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, यस हो गया। ठीक है, इसी को चेक करना है दूसरे के लिए, एक और पॉलीनोमियल लिया है px विच इज x की पावर 4, 3, 2, 1 यूज कर रही इस बार, 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। इसके लिए चेक करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। फैक्टर होने का मतलब सिंपल सा यही है, हम शुरू से फैक्टर कर देते ना, जैसे हम बोलूं फाइंड आउट फैक्टर ऑफ 15 तो ऐसे कर देते, 1 और 15 है, 3 और 5 है, दैट मीन्स जो उसके टेबल है पूरी तरीके से आ रहा है जिससे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, रिमाइंडर इक्वल्स 0, दैट मीन्स पी माइनस 1 ये वाला होगा पार्ट, इससे निकालना होता है हमेशा इक्वल 0, ये प्रूव करना है। ठीक है, टू प्रूव है, डिवाइड करके 0 निकालने से अच्छा हम डायरेक्ट रिमाइंडर 0 निकाल रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम से। तो ये हो गया माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखो अगर पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव, पावर ऑड है पावर आंसर नेगेटिव, ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर आ रहा है 1,
वन नहीं आना चाहिए, फैक्टर के लिए कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो आंसर इज नो। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो ट्राई करते हैं। इसके लिए पी एक्स की कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं ये सारा रख कर रही हूँ। अगेन अब हमें प्रूव करना है, शो दैट एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए इतना सफिशियंट है कि हम प्रूव कर दें p माइनस वन इक्वल जीरो। ये माइनस वन इसलिए चल रहा है क्योंकि यही वाला डिवाइजर ले रहे हैं, दूसरा नहीं ले रहे। स्टार्ट करते हैं, माइनस वन की पावर फोर थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन की पावर थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ये जैसे भी इजी लगे सॉल्व कर सकते हैं। पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, ऑड होती है तो नेगेटिव आता है। ठीक है, तो ये बन रहा है पॉजिटिव थ्री नेगेटिव थ्री कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो आंसर आ रहा है वन विच इज नॉट इक्वल्स जीरो, सो आंसर इज नो। ठीक है, बहुत इजी सा है, ये सब हमें आंसर करते हैं बस। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वी हैव एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। हमें बताना है एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है, दैट मीन्स अगर इसमें एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर जीरो आता है या नहीं। पुट करते हैं एक्स की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस या एज इट इज लेते हैं, यहां पुट करेंगे माइनस वन प्लस रूट टू। क्या किया है यहां पे और यहां पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, क्यूब है तो माइनस वन रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसे अभी ओपन नहीं करते हैं, एज इट इज लेते हैं प्लस रूट टू एज इट इज। देखो ये माइनस वन है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ओपन करके देखें, माइनस वन प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू, कुछ भी कैंसिल करने का नहीं कर सकते। ठीक है, पॉजिटिव में एज इट इज ओपन होता है, नेगेटिव होता है तो ये दोनों माइनस हो जाते हैं। माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू कैंसिल, तो आंसर आ रहा है टू रूट टू विच इज नॉट इक्वल्स जीरो, सो आंसर इज नो, एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल। अब कर रहे क्वेश्चन नंबर टू, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये जी एक्स की वैल्यू है, ये पी एक्स का फैक्टर है या नहीं है, ये डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास सफिशियंट है कि हम ये शो कर दें, या लिख देती मैं टू प्रूव। हमें प्रूव करना है जी एक्स को एक्स की वैल्यू के हिसाब से जी ए मान जाती है। ठीक है, इससे जो भी निकलेगी जी ए इक्वल जीरो, अगर ये प्रूव कर दिया तो आंसर येस होगा, अगर ये नहीं हुआ तो आंसर नो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, जी एक्स इक्वल्स जीरो करते हैं पहले, तो इससे आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स जीरो। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, ये एक्स की वैल्यू है जो ए है। ठीक है, ये ए जो है वो एक्स की वैल्यू में ध्यान रखना है, माइनस वन, तो हमें प्रूव करना है जी माइनस वन इक्वल्स जीरो, ये प्रूव करना है। ठीक है, जो भी इसकी वैल्यू है डिवाइजर की वो यहां पुट करनी है और आंसर जीरो आएगा। फैक्टर से यही कहती है अगर इसकी एक्स की वैल्यू से ये जीरो हो जाता है तो फैक्टर है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, p माइनस वन से सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ p लिखेंगे। ठीक है, p माइनस वन इक्वल जीरो, पॉलीनोमियल जीरो होना चाहिए, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर टू माइनस वन एंड माइनस वन, माइनस वन का क्यूब तो माइनस में आएगा, स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर हो रहे हैं और वन और वन कैंसिल, आंसर माइनस फोर आ रहा है। इसका आंसर थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है, ये माइनस में है, इक्वेशन माइनस टू एक्स है। ठीक है, तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टू माइनस टू भी कैंसिल, आंसर आ रहा है जीरो। तो यस, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, फर्स्ट का आंसर आया है यस। नेक्स्ट करते हैं, ये रफ कर रही हूं मैं, ये सारा पार्ट दोबारा करना ही पड़ता है। ठीक है, जी एक्स और इसकी वैल्यू पी एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार। अब पीएक्स की वैल्यू हमारे पास है, सही नोट डाउन करते हैं, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, सारे पॉजिटिव है इस बार, और जी एक्स है एक्स प्लस टू। इसे डायरेक्ट देख के बता सकते हो एक्स की क्या वैल्यू होगी, इसके हिसाब से इक्वल जीरो करो, मेंटली करा करो। ठीक है, तो यहां एक्स लिख रही हूं, इक्वल जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। अब हमें प्रूव करना है पी माइनस टू है इक्वल्स जीरो, हमें बेसिकली इसी को हर बार प्रूव करना पड़ता है कि जीरो आएगा पॉलीनोमियल में पुट होने के बाद, तो आंसर यस है। ठीक है,
तो करते हैं पी माइनस टू की वैल्यू, ये टू प्रूव है, ये हम प्रूव कर रहे हैं, माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू का स्क्वायर, थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू प्लस वन, माइनस टू का क्यूब माइनस एट, माइनस माइनस प्लस, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, थ्री इंटू टू माइनस सिक्स प्लस वन, माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टीन बनाएंगे और ये पॉजिटिव थर्टीन बन रहा है तो आंसर माइनस वन आ रहा है, अगर माइनस वन आ रहा है तो इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आंसर इज नो, जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। कर रहे लास्ट पार्ट, अभी सेम प्रूफ करना है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स पी एक्स का फैक्टर तभी होता है जब जी एक्स से जो एक्स की वैल्यू आती है वो यहां प्रूफ करने के बाद आंसर जीरो आ जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो करूंगी तो ये आ जाएगा प्लस थ्री, तो मुझे प्रूव करना है एक्स की वैल्यू थ्री पुट करें इसके हिसाब से तो आंसर जीरो आना चाहिए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूव करते हैं, ये टू प्रूव है फैक्टर से, बहुत इजी है, देखो जिससे डिवाइड करने को बोल रहे हैं उसे जीरो के इक्वल करो, उसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्वेश्चन में पुट करें बस। ठीक है, थ्री पुट कर रही हूं, थ्री का क्यूब माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्स, थ्री का क्यूब होता है ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री स्क्वायर इज नाइन, नाइन टू फोर इज थर्टी सिक्स, थ्री प्लस सिक्स इज नाइन, ना ट्वेंटी सेवन और नाइन थर्टी सिक्स होते हैं, ये भी थर्टी सिक्स है तो जीरो आ रहा है, आंसर हो गया यस। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस वन अगर फैक्टर है पी एक्स का, दैट मीन्स एक्स माइनस वन इक्वल्स जीरो करो, एक्स की वैल्यू आ रही है वन, अगर फैक्टर है इफ लिखते तुम एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर, अगर फैक्टर होगा तो क्या होगा किसका पी एक्स का, देन ये जो वैल्यू है पी वन ये इक्वल्स जीरो आनी चाहिए, ये हमारी फैक्टर थ्योरम है। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आती है वो अगर एक्स की जगह पुट करी जाए तो आंसर जीरो आना चाहिए। पहला पार्ट कर रहे हैं पी एक्स इक्वल्स, बार बार पी एक्स की वैल्यू अलग अलग हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, पी वन पुट कर दें, वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के, अभी यहां मैंने बताया पी वन इक्वल्स जीरो होना चाहिए तो यहां इक्वल्स जीरो लिख सकते हैं, वन प्लस वन टू प्लस के, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस टू, फैक्टर है बोला है। ठीक है, फैक्टर है बोला मतलब रिमाइंडर जीरो है, पी वन जीरो है ये मानना है, अगर जीरो बोलते हैं निकालने को बोलते हैं तो अलग है, इधर बोला है फैक्टर है। नेक्स्ट इज टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, अगेन क्या है सेम, एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है, अगर इसका फैक्टर है दैट मीन्स प्लस वन था माइनस वन था हमारे पास माइनस वन था, ठीक है प्लस वन पुट कर रहे हैं, अगर ये फैक्टर है तो इसकी आंसर डायरेक्ट जीरो आएगा, ये यूज करूंगी बार बार, फैक्टर होने का मतलब यही होता है कि आंसर जीरो है, रिमाइंडर जीरो है, वन का स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस रूट टू, ये हो गया टू प्लस के प्लस रूट टू, यहाँ इक्वल्स जीरो, फैक्टर है इसलिए जीरो है, फैक्टर है या नहीं ये चेक करना होता है तो वैल्यू निकालनी पड़ती है, तो k की वैल्यू आ रही है ये टू इधर आके माइनस हो गया और ये रूट टू भी आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ रहा है माइनस टू माइनस रूट टू। नेक्स्ट कर रहे हैं थर्ड, इस बार पी एक्स है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है बोला है, दैट मीन्स पी वन जीरो पे इक्वल है, तो के वन का स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन, ये इक्वल्स जीरो है, यहां बच रहा है के माइनस रूट टू प्लस वन, तो इससे के की कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये माइनस टू इधर आ जाएगा, माइनस रूट टू यहाँ के प्लस रूट टू और प्लस वन यहाँ के माइनस वन, ये आंसर है रूट टू माइनस वन। नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट है के एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स प्लस के। ठीक है, अब हमें इसके लिए प्रूव करना है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो के की वैल्यू कितनी होगी, पुट करते हैं वैल्यू पी वन, एक्स की जगह वन, के मल्टीप्लाइड बाय वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस के, यह आ रहा है मेरे पास के माइनस थ्री प्लस के, तो ये बन रहा है के प्लस के टू के माइनस थ्री,
और पी वन जीरो है क्योंकि फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर होने के लिए ये कन्वर्स कर रहा है इस बार। ये माइनस थ्री इधर आके हो जाएगा, पॉजिटिव थ्री इज इक्वल टू टू के, के की वैल्यू आ जाएगी थ्री डिवाइडेड बाय टू, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर इज फैक्टराइज। देखो फैक्टराइज करने को बोले और एक ट्राइनोमियल गिवन हो तीन टर्म्स वाला, पावर टू वन और जीरो टाइप चलती है, ठीक है, तो इसमें हम लगाते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या करना होता है, मिडिल टर्म को जो कि ये है इसे स्प्लिट करना है, इसे ब्रेक करना है, या फिर बोल सकते हो सम प्रोडक्ट वाला मेथड, ठीक है। तो सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये सीखते हैं। इस इक्वेशन को इससे मैच करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो सम होता है वो होता है बी की वैल्यू, और जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ए मल्टीप्लाइड बाय सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस सेवन, और ए इंटू सी की वैल्यू कितनी आ रही है ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय वन दैट इज ट्वेल्व, इतना आना चाहिए बस। अब क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो ट्वेल्व आए और सम करो तो माइनस सेवन आए। ट्वेल्व के फैक्टर देखो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व होता है, ठीक है, ये तो बन जाएगा, बट माइनस सेवन नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व बनेगा, और अगर प्लस करेंगे नहीं तो माइनस माइनस प्लस माइनस सेवन बनेगा, ठीक है। तो इसे ब्रेक किया मैंने, बाकी सेम रखेंगे, ये एज इट इज, ये एज इट इज। माइनस सेवन की जगह मैं लिख रही हूं माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स। अब कॉमन करते हैं फर्स्ट टू टर्म में लास्ट टू टर्म, दोनों के पास x है तो एक x बाहर आ जाएगा, ये 3 इंटू फोर है, ये 3 इंटू वन है, तो 3 भी कॉमन है, ये बन गया 4x माइनस वन, बाकी सब कॉमन आ गए, ठीक है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम बनना होता है, तो इसमें अगर माइनस है इसमें माइनस नहीं है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया 4x माइनस वन। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का जो भी साइन होगा उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो फैक्टर आ गए, एक तो ब्रैकेट एज इट इज 4x माइनस वन सेम, और अगर इसे हटा दूं ये नहीं है सपोज, तो क्या बचता है, यहां बचता है 3x और यहां बचता है माइनस वन। तो ये दो हमारे फैक्टर्स हैं इस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट में निकाल रहे हैं, नेक्स्ट ये क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। सम और प्रोडक्ट देखना है क्या होगा, सम होता है ये मिडिल वाला, दिस इज 7, प्रोडक्ट होता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 3 इज 6। दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका सम करो तो सेवन हो और प्रोडक्ट करो तो सिक्स हो, तो सिक्स बनता है वन इंटू सिक्स से और टू इंटू थ्री से। तो ये वाला पेयर ले लेते हैं, वन इंटू सिक्स टू एक्स स्क्वायर, सेवन को लिख सकती हूँ वन एक्स प्लस सिक्स एक्स, प्लस करके सेवन बन रहा है, ठीक है। कॉमन करते हैं फर्स्ट टू में, दोनों में एक्स कॉमन है सिर्फ, एक्स बाहर, यहां बचा टू एक्स, ये वन एक्स बाहर चला गया तो प्लस वन, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं सिक्स और थ्री, दोनों थ्री के लेवल में आते हैं, थ्री बाहर ले लिया, थ्री इंटू टू टू एक्स और थ्री इंटू वन वन, ये दोनों सेम बनने चाहिए, अगर नहीं बन रहे तो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये ब्रैकेट जो सेम है वही हो गया फैक्टर, दूसरा ब्रैकेट अगर इसे हटा दू, ऐसे देखो काटना नहीं है, रब नहीं करना है, समझने के लिए करती हूँ, बस एक्स प्लस थ्री ये बच रहा है दूसरा फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस सिक्स। सम कितना होगा इसका, सम होता है मिडिल टर्म, ये हो गया फाइव, प्रोडक्ट होता है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय लास्ट टर्म, सिक्स इंटू सिक्स इज 36 और साइन आएगा माइनस। ऐसे दो नंबर सोचो जिन्हें प्लस करे तो फाइव आए, मल्टीप्लाई करे तो माइनस 36 आए, ठीक है। सिंपल से होता है, फैक्टर्स करते हैं 36 के, वन इंटू 36 36 होता है, टू इंटू 18 36 होता है, थ्री इंटू 12 होता है, फोर इंटू नाइन होता है, सिक्स इंटू सिक्स होता है, इसके बाद ये रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से कोई ना कोई पेयर आंसर होगा ही हमारा, अब ढूंढना है कौन सा हो सकता है। वन और 36 का डिफरेंस फाइव नहीं आ पाएगा, डिफरेंस फाइव होना चाहिए, सम फाइव होना चाहिए, सम तो किसी का नहीं हो रहा है फाइव है ना, डिफरेंस देखना पड़ेगा। नाइन और फोर इनका डिफरेंस करे तो फाइव आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स मुझे एक नंबर नाइन देना है, एक फोर देना है, अब माइनस कौन सा देंगे, देखो आंसर प्लस में आ रहा है तो नाइन माइनस फोर ले, ठीक है। अगर मैं माइनस नाइन प्लस फोर ले लूंगी तो आंसर माइनस फाइव आएगा, इसलिए ये पेयर नहीं है। तो यहां मैं ले रही हूं सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस नाइन, या इसे लगा देते हैं
प्लस 5 की जगह क्या लिख रही हूं, 5 इक्वल्स टू 9 माइनस 4, 9x माइनस 4x माइनस 6। फर्स्ट टू टर्म में क्या है कॉमन, दोनों के पास 3 है, दैट मीन्स 3 के टेबल में दोनों आते हैं और दोनों के पास एक x कॉमन है, ठीक है। यहां से 3x गया तो क्या बचा, अगर नहीं समझ आता है तो ऐसे करो, इसमें से 3x हटाना है तो 3x से डिवाइड कर दो, एक x से एक x गया, 3 वन टाइम 3 टू टाइम्स, तो यहां बच रहा है 2x, ठीक है। 9x में से 3x गया, x तो बाहर चला गया, 9 में से 3 डिवाइड हुआ था करके मैं प्लस 3, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन बनना चाहिए, 3 इंटू 2 इज 6, x इंटू x x स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, साथ में x, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 4 x और माइनस 6 में, देखो मैंने पढ़ा माइनस माइनस दोनों में पढ़ा है ना, तो माइनस कॉमन है और x तो नहीं है, ये भी 2 पर टेबल में आता है, ये भी 2 पर टेबल में आता है, तो 2 भी कॉमन है, 2 बाहर कर दिया तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा प्लस 3, माइनस कॉमन क्या हुआ है, ये और ये हमेशा सेम बनने चाहिए, नहीं बन रहे हैं तो क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया और एक तो बच गया है, बचा क्या है, इस ब्रैकेट के आगे 3x और इस ब्रैकेट के आगे माइनस 2, डन। ये हमारे दो फैक्टर्स है। नेक्स्ट वी हैव 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, सम प्रोडक्ट देखने हैं क्या है इसमें, मेजर वाली टर्म सम है तो सम वी हैव माइनस 1 और प्रोडक्ट हमारे पास है 4 इंटू 3 12, माइनस 4 है तो माइनस 2, ठीक है। इसका डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है, माइनस 4 प्लस 3, माइनस करोगे 4 माइनस 3 1 और साइन बड़े नंबर का, कॉमन करते हैं सिर्फ x है दोनों में, तो x बाहर चला गया, यहाँ 3x बचा, यहाँ माइनस 4 बचा, ये एज इट इज है, देखो बिल्कुल सेम ब्रैकेट है ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, यही ब्रैकेट रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स प्लस 1 ले लेते हैं, तो ये बन रहा है x प्लस 1 एक ब्रैकेट, 3x माइनस 4 दूसरा ब्रैकेट, तो इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स ये। ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये नेगेटिव है, माइनस एक्स प्लस 2, इसे फैक्टराइज करना है। अब देखो क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना होता 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 तो ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हो जाता, मिडल टर्म लगाते सम प्रोडक्ट करते आंसर आ जाता, बट इसमें ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन क्यूब की फॉर्म में होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमें ये जो इसमें कॉन्स्टेंट नंबर है, ठीक है, कॉन्स्टेंट देखना है और कॉन्स्टेंट के फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्या है इसमें, प्लस 2 आर, प्लस 2 किस किससे बनता है ये देखना पड़ेगा, प्लस 2 बनेगा प्लस माइनस 1 से और प्लस माइनस 2 से, अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं, माइनस 1 इंटू माइनस 2 करो तो 2 बनता है और 1 इंटू 2 करो तो भी 2 बनता है, तो ये फैक्टर्स है, प्लस माइनस के वो सारे नंबर जो मल्टीप्लाई होकर 2 बना रहे हैं वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी है किससे आपको, ठीक है। इसे पीएक्स मान लेते हैं सपोज, तो पहला मैं ले रही हूं, व्हेन एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव 1, तो पी 1 निकालते हैं कितना आएगा, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये 1 एज इट इज, ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, प्लस माइनस है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये हो गया फैक्टर, ठीक है, फैक्टर देखना था है या नहीं, आंसर आ रहा है यस, तो पी 1 क्या है, 0 आ रहा है, मैं यहां लिख देती हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस 1 जो है एक फैक्टर है पी एक्स का, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। हमें फैक्टर्स तो निकालने हैं, पहले भी हम इस दो इन ब्रैकेट में आंसर निकालते थे, पहले हम दो दो ब्रैकेट निकालते थे मिडिल टर्म में, यहाँ क्यूब है तो ऐसे 3 ब्रैकेट आएंगे, ठीक है, एक तो ये आ गया, अब दूसरे के हम क्या कर सकते हैं, और वैल्यू पुट करें इसमें से कुछ, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, कौन सा ले इस बार, 2 लेके ट्राई करें, पी 2 के लिए सॉल्व करते हैं, 2 अगर यहाँ पुट करूंगी तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 2 प्लस 2, 8 और 8 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो ये भी इक्वल्स 0 आ रहा है,
दैट मीन्स ये भी इसका फैक्टर है, अगर यहाँ 2 है तो दैट मीन्स यहाँ क्या होगा x माइनस 2, ठीक है, इक्वल 0 करेंगे तभी प्लस 2 आएगा। तो एक मेथड तो हमारे पास ये है, अभी हमने क्या कर दिया, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, एक फैक्टर और निकालेंगे ऐसी ट्राई करते हैं। एक दूसरा मेथड इसमें है जो श्योर शॉट मेथड होता है, हमें जो एक फैक्टर मिल गया यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इतना करना ही करना। अब क्या करना है, इस फैक्टर से इसे डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिविजन, हमारे पास एक ट्राइनोमियल आ जाएगा, ठीक है, ट्राइनोमियल से फिर मिडिल टर्म लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट में वही यूज करते हैं। अब हमें फैक्टराइज करना है इस पॉलीनोमियल को, ठीक है, सबसे पहला काम देखो स्क्वायर वाला होता, ट्राइनोमियल होता तो मिडिल टर्म लगाते, प्लस 5 है तो कॉन्स्टेंट क्या है, इसमें कॉन्स्टेंट है प्लस 5, प्लस 5 के फैक्टर्स क्या होंगे, वो नंबर्स जो 5 बनाते हैं, 1 × 5 = 5 होता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, 1 × 5 = 5, माइनस 1 × -5 = 5, तो इनमें से किसी एक की वैल्यू पुट करते हैं, आपकी चॉइस से करनी है। हमने देखते हैं ना माइनस है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स मुझे इस बार किसी नेगेटिव से सॉल्व करना है। माइनस 1 के ट्राई करते हैं, इसमें से माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 प्लस 5, ठीक है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 आएगा, माइनस 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, इसलिए ये माइनस 9 प्लस 5, तो ये तो हमारे पास नहीं बन रहा है, देखो इसे सॉल्व करते हैं 1 मिनट। ये माइनस 9 है क्वेश्चन में, ठीक है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नेगेटिव थे, नोट डाउन करने में गलत हो गया है, तो ये हमारे पास बन रहा है माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 9 प्लस 9 इक्वल्स 0, तो आंसर हो गया यस, ये एक फैक्टर है। अगर माइनस 1 एक फैक्टर है, फैक्टर एग्जैक्टली होगा क्या, x प्लस 1, अगर ये माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, तो जो मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ उससे करते हैं, x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है दैट मीन्स x प्लस 1 से डिवाइड कर देगा, ठीक है, और आंसर 0 आएगा, माइनस 9x माइनस 5। देखो x प्लस 1 से डिवाइड करना है, x का x क्यूब बनाना है, तो क्या चाहिए, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हुआ, 1 से करेंगे तो ये भी x स्क्वायर आएगा, प्लस 1x स्क्वायर, माइनस करते हैं ये कैंसिल, माइनस करते हैं प्लस माइनस 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 प्लस, तो 2 नेगेटिव ऐड हो गए, माइनस 4 बनाना है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए और साथ में माइनस 4 भी चाहिए, तो माइनस 4 और x से कर दूंगी, नेक्स्ट टाइम आ गई माइनस 9x, ये तो एज इट इज, माइनस 4 1 से होगा तो माइनस 4 x आता है, माइनस करते हैं ये कैंसिल, यहां माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 5x आ रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट आ रहा है माइनस 5। अब x का 5 चाहिए वो भी नेगेटिव, तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x माइनस 5 पूरा कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गई एक ट्राइनोमियल। अब सम प्रोडक्ट से इस ट्राइनोमियल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे इसके 2 और फैक्टर्स, ठीक है, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, सम है माइनस 4, प्रोडक्ट है माइनस 5, दो नंबर जिन्हें प्लस करें तो ये बने और माइनस करें तो ये बने, कौन से हो सकते हैं, 5 का करते हैं माइनस 5 प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आएगा और प्लस करेंगे तो माइनस 4 आएगा, कॉमन करते हैं दोनों में x है तो ये हो गया x माइनस 5, इसमें सेम बनाना है तो 1 ले लेते हैं, x माइनस 5, तो एक फैक्टर आ गया x प्लस 1, एक आ गया x माइनस 5 और एक ये था हमारे पास x प्लस 1, तीन फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास है, ये एक जो पहले बनाया था ये भी होता है, ठीक है, इसी से आगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारे, तीन फैक्टर्स है क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक के तीन होते हैं 1, 2 और 3, ये हमारा आंसर है। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में पॉलीनोमियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो कॉन्स्टेंट क्या है इसमें हमारे पास 20, और 20 किस उसके टेबल में आता है, उसके फैक्टर्स लिख रहे हैं, 20 के फैक्टर्स होंगे प्लस माइनस 1, 1 सबका होता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, फिर 10 में एंड आ रहे एंड देन 20 में, ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स होंगे, जो भी पॉजिटिव होते हैं वो
नेगेटिव भी होता है। तो मुझे एक ऐसा नंबर ट्राई करना है यहाँ पे जिससे इसका आंसर जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब सब प्लस होते जाएंगे, तो मेरे को वो नंबर लेना है जो नेगेटिव हो, ठीक है, ताकि कुछ नेगेटिव हो जाए और प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाए। ओरली करके देखते हैं, वन के लिए ट्राई करूं तो वन, थर्टीन, थर्टी टू, ट्वेंटी, ये माइनस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, हो जाएगा लग रहा है। ट्राई करते हैं माइनस वन के, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस थर्टीन इंटू माइनस वन का स्क्वायर, थर्टी टू इंटू माइनस वन प्लस ट्वेंटी। ट्राई कर रहे हैं बस, इसका माइनस वन आ गया, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस थर्टीन आ रहा है, थर्टी टू इंटू माइनस वन माइनस थर्टी टू प्लस ट्वेंटी, ठीक है, ट्वेंटी एंड थर्टीन एड होके थर्टी थ्री आ रहे हैं, माइनस वन माइनस टू एड होके माइनस थर्टी थ्री आ रहे हैं, तो आंसर इज जीरो। दैट मीन्स अगर ये माइनस वन होता है ये माइनस होता है प्लस लेना पड़ता है, इसका मतलब है एक्स प्लस वन इज ए फैक्टर, ठीक है, एक्स प्लस वन क्योंकि इसे इक्वल जीरो करा होगा तो माइनस वन आया होगा, वो हमने पुट किया होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये फैक्टर आ गया है तो हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। ये पार्ट में रब कर रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है। एक्स प्लस वन फैक्टर आया है, एक्स प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स प्लस वन यहां लिखते हैं, डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स क्यू प्लस थर्टी एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी टू एक्स प्लस ट्वेंटी को। देखो ये देखना है अगर क्यूब वाले हैं तो यही मेथड है, कॉन्स्टेंट निकालना है, उससे एक फैक्टर निकालना है, जो फैक्टर आएगा उससे डिवाइड करना है, ठीक है। x का x क्यूब कब बनेगा, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर को वन से करेंगे तो वन एक्स स्क्वायर बनेगा, दोनों से बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो माइनस वन कैंसिल हो गए, थर्टीन माइनस वन इज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर। अब क्या चाहिए मुझे, अब x का 12 चाहिए एक तो प्लस 12 से कर लेते हैं, और साथ में स्क्वायर भी चाहिए तो एक x से करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार इससे हुआ तो ये आएगा, पहले एक टर्म लिख लेती हूँ नेक्स्ट, फिर करते हैं 32 x 12 x स्क्वायर आ गया। अब 12 x अगर 1 से होगा तो साथ में 12 x भी आएगा, ठीक है, ये माइनस वन कैंसिल, 32 माइनस 12 इज 20, साथ में x, नेक्स्ट टर्म आ रही है प्लस 20। अब ऐसा नंबर सोचना है x के साथ जो 20x बना दो, बस 20 चाहिए, ये बन जाएगा 20x प्लस 1 से करेंगे तो 20 और ये पूरा कैंसिल। दैट मीन्स एक फैक्टर तो ये आ गया और बाकी दो फैक्टर इससे निकलेंगे, ठीक है, किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब 20 के दो फैक्टर्स ऐसे सोचो जो सम 12 बनाए, प्लस हो तो 12 आ रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो तो 20 आ रहा हो, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। 12 को अगर मैं लिख दू 10x प्लस 2x, 10 प्लस 2 12, 10 मल्टीप्लाई टू 20, ठीक है। फैक्टर्स करते हैं फर्स्ट टू लास्ट टू, फर्स्ट टू में x कॉमन है, इक्वल से साइन चलेगा, x प्लस 10 जो कॉमन होता है वो बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट में दोनों में 2 कॉमन है, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 10 20, तो फैक्टर आ गया एक तो ये x प्लस 10 है और ये एक आ गया x प्लस 2, तीन फैक्टर है क्योंकि क्यूबिक है, x प्लस 10, x प्लस 2 और एक है ये वाला x प्लस 1, ये हमारा आंसर है। लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो कॉन्स्टेंट हमारे पास है माइनस 1, माइनस 1 का फैक्टर क्या हो सकता है, प्लस 1 माइनस 1, ये दो फैक्टर है, ठीक है। तो 1 के लिए ट्राई करते हैं, 1 पुट कर रही हूं, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 2 कैंसिल, 1 और 1 कैंसिल, आंसर 0 आ रहा है। दैट मीन्स प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, अगर प्लस 1 फैक्टर है तो इससे आएगा x माइनस 1 इज ए फैक्टर, पी वाई चलेगा ऑफ फैक्टर ऑफ पी वाई, ठीक है, वाई है तो वाई चलेगा, अगर y माइनस वन, यहाँ अगर प्लस वन लेते हैं तो यहाँ माइनस लिखना पड़ता है, ठीक है। अब y माइनस वन से डिवाइड करना है हमें इस इक्वेशन को, 2y क्यूब, देखो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, y का 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करा, y को y क्यूब बनाना है तो y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, साथ में है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब माइनस वन से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा तो ये हो गया 2y क्यूब,
माइनस वन से मल्टीप्लाई आउट हो गया माइनस टू वाई स्क्वायर, इससे भी करेगा इससे भी करेगा, ठीक है, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस आएगा वहां से, माइनस माइनस प्लस बन रहा है थ्री वाई स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है टू वाई। अब वाई का थ्री वाई स्क्वायर चाहिए, वो भी पॉजिटिव, तो थ्री वाई से करना पड़ेगा, थ्री इंटू वन इज थ्री, वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, इससे किया है तो इससे भी करना पड़ेगा थ्री वाई, ये कैंसिल हो रहा है, ये हमारे पास आ रहा है माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है वाई माइनस वन, वाई माइनस वन, वाई माइनस वन सेम है तो प्लस वन से कर रहे हैं, दैट मीन्स वाई माइनस वन, ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आ रहा है टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स करते हैं टू वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस वन के, एक फैक्टर निकालना है फिर उसके डिवाइड करना है, फिर जो आंसर आ रहा है उसका या क्वेश्चन आ रहा है उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें सम हमारे पास थ्री है, प्रोडक्ट हमारे पास टू है, तो टू वाई स्क्वायर थ्री वाई को ब्रेक करूं, टू वाई प्लस वन वाई थ्री वाई होता है और टू इंटू वन टू होता है, ठीक है, पहले दोनों में टू वाई कॉमन है, फर्स्ट टू में इन दोनों में, यहां बच रहा है वाई, यहां प्लस वन, ये तो वाई प्लस वन खुद ही दिख रहा है तो वन कॉमन कर देते हैं, ठीक है, फैक्टर्स आ गए वाई प्लस वन एक फैक्टर, टू वाई प्लस वन दूसरा फैक्टर, और एक फैक्टर ये निकाला था वाई माइनस वन, ये हमारा फाइनल आंसर।